हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसीताऊ। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि जो हमने फार्म भर रखे हैं नौकरियों के लिए, जो आवेदन कर रखे हैं, उनके एग्जाम कब होंगे। क्योंकि दोस्तों, एग्जाम नौकरी पाने का एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पड़ाव है। और अच्छी बात भी है कि आप चिंता कर रही हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं यदि बात करूं कि अभी ये टाइम नहीं है आपका इन चीज़ों में पढ़ने का कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। अभी जो कोरोना का संकट पूरे देश पर आया हुआ है, वो एक मुश्किल घड़ी है, ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ को जीत तो जाएंगे, ये तो हमें कन्फर्म है, ठीक है। कुछ सावधानियां तो हमें बरतनी ही पड़ेंगी, लेकिन जीत जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं एग्जाम की बात करता हूँ कि एग्जाम कब होंगे। देखिए दोस्तों, किसी देश की जो आर्थिक स्थिति है, किसी स्टेट की आर्थिक स्थिति है, जीडीपी दर है, यदि वो बहुत अच्छी है तो उस स्टेट में, उस देश में इम्प्लॉयमेंट पर काम किया जाता है। यदि किसी देश की, किसी स्टेट की इम्प्लॉयमेंट स्थिति, सॉरी आर्थिक स्थिति, जीडीपी दर गिर चुकी है, तो वहां उस देश में, उस राज्य में इम्प्लॉयमेंट पर काम नहीं होगा, ठीक है। और अभी कोरोना के जो वजह से, वायरस की वजह से, COVID-19 की वजह से जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जीडीपी दर है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। चाहे मैं स्टेट की बात करूं, चाहे मैं पूरे राष्ट्र की बात करूं, ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। हर रोज हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पूरी दुनिया को, हमारे राज्य को हो रहा है। तो इस समय पर आपका जो एग्जाम होना, भर्तियों पर विचारधारा करना शायद नामुमकिन है और मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, हमारी सरकार इन चीज़ों पे हमेशा काम करती रहती है कि जीडीपी दर को कैसे उठा जाए। लेकिन दोस्तों, एक मिनट में, एक दिन में जीडीपी दर उठती नहीं है, आर्थिक स्थिति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनमें 2-3 महीने का जो हमें समय है वो ज़रूर लगेगा, और 2-3 महीने के बाद ही आपके एग्जाम होंगे। मैं यहाँ पे आपको 2-3 महीने का टाइम बता के आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को पॉजिटिव ले सकते हैं। जो सीरियस बच्चे हैं, जिनका जो सपना, वो फिक्स टारगेट है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब लगना है, उनके लिए पॉजिटिव मैसेज है कि उनके पास अब 2-3 महीने का समय और है। जो उनका सिलेबस बच गया था, क्योंकि एक एग्जाम को क्रैक करना ही आपको नौकरी दिला सकता है, और एग्जाम तभी क्रैक होगा जब आपके पास 100% कॉन्फिडेंस होगा। यदि कल को एग्जाम हो जाता है और यदि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कल की एग्जाम डेट का कोई भी फायदा नहीं है। यदि आपके पास 2 महीने का टाइम है और 2 महीने में तैयारी कर लेते हैं, और 2 महीने के बाद ही जब आप एग्जाम में बैठते हैं, उस दिन यदि आपके मन में कॉन्फिडेंस होगा और आप अपने प्रश्नों का जवाब सही तरीके से दे पाते हैं, तो आपका एग्जाम भी क्रैक होगा और आपको जॉब भी मिलेगी। दोस्तों, पॉजिटिव सोचिए, डीमोटिवेट मत होइए, पॉजिटिव लीजिए। जितना भी समय मिल रहा है, समय आपको यदि एग्जाम से पहले एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपका नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा ही करके जाता है। तो 2-3 महीने बाद आपके सारे एग्जाम होंगे, ये कन्फर्म है। आपको जो भी मिलेगी, आपका ड्रीम जॉब आपके सामने है। 2-3 महीने आप इंतज़ार कर सकते हैं, पढ़ाई में अपनी दिन रात एक कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना है। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।